एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे और जैसे कि हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अनहा का घर मस्जिद नबवी के साथ में था, हजरत बीबी फातिमा के घर से नन्हे हजरत हसन और हुसैन की रोती हुई आवाज़ मस्जिद नबवी के अंदर तक आ रही थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हसन और हुसैन की रोनी की आवाज सुनी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई, आप बेचैन हो गए और हजरत फातिमा के घर की तरफ चल दिए। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में बैठी हुई है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, मैं आपके घर के अंदर आना चाहता हूँ। तो अंदर से आवाज आई। उसके बाद पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक घर के अंदर फेंक दी और फिर आप अंदर तशरीफ ले गए और पूछने लगे कि बेटी क्या बात है। तो हजरत बीबी फातिमा ने कहा, बाबा जान, घर में इतना बड़ा कपड़ा नहीं है कि मैं अपना पूरा बदन ढक सकूं, इसीलिए मैंने अपने बदन को आपके चादर से ढका है। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा के चेहरे की तरफ देखा तो आप बेचैन हो गए, क्योंकि हजरत बीबी फातिमा बीमारी की हालत में लग रही थी। उनका चेहरा जर्द और आंखों के नीचे गड्ढे साफ जाहिर हो रहे थे। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा जान, आज आप अपनी बेटी को माफ कर देना, क्योंकि आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक नहीं आ सकी। कई दिनों से लगातार भूखा रहने की वजह से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमजोर हो चुका था कि अभी वो उठने के काबिल भी नहीं है। तो ये सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, हुक्म फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, मैं मस्जिद में था और मस्जिद के अंदर बार बार हसन और हुसैन के रोने की आवाज आ रही थी। हसन और हुसैन की रोने की आवाज ने मुझे बेचैन कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ पहुंचा। ऐ फातिमा, नन्हे हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? हजरत फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, दो दिनों से हसन और हुसैन ने कुछ भी नहीं खाया है। तो ये सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, हुसैन बहुत छोटा है, ये तो अभी दूध पीता है, इसको आप दूध पिला दीजिए, ये खामोश हो जाएगा और हसन को मैं अपने कंधों पर सवार कर लेता हूँ तो इससे ये भी आराम पाएगा। प्यारे दोस्तों, बात जब यहाँ तक आ पहुंची तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जारो कतार रोने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, अब क्यों रो रही हो? तो हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, मुसलसल फाकों की वजह से मेरा दूध भी खुश्क हो चुका है, मैं नन्हे हुसैन को अपना दूध भी कैसे पिलाऊं? बस जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से ये सुना तो हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी मुबारक जबान को हुसैन को चुसाना शुरू कर दिया। जैसे ही इमाम हुसैन ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक को चूसना शुरू किया तो उनको आराम मिल गया। उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हजरत हसन को अपने कंधों पर उठाया और उनको अपने कंधों पर सवार कर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने भी आराम पाया। इतने में भी मस्जिद नबवी से अजान की आवाज गूंजने लगी। फातिमा ने अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। इतने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचे और पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ? तो ये सुनकर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, आज आपकी बेटी का ये चौथे दिन का फाका है, यानी हजरत बीबी फातिमा चार दिनों से भूखी है, कुछ भी नहीं खाया है। तो हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया कि चार दिन हो गए हैं, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, यहाँ तक कि एक खजूर का दाना भी नहीं खाया है, इसीलिए कमजोरी की वजह से गिर गई हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर तीन पत्थर बंधे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी ये क्या है? तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया,
बाबा जान, आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है और हर दिन के एतबार से मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा है। पहले दिन जब मैं भूखी रही तो मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांध लिया, फिर दूसरे दिन दूसरा पत्थर बांध लिया और फिर तीसरे दिन का तीसरा पत्थर भी बांध लिया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस तरह से मैंने 3 दिन से 3 पत्थर अपने पेट पर बांध लिए हैं। तो ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी अपना मुसल्ला उठा। हजरत फातिमा ने अपना मुसल्ला उठाया तो देखा कि नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। आप फरमाने लगे, बेटी जितना चाहे उतना उठा लो, मगर कल कयामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। तो ये सुनकर हजरत फातिमा ने उस सोने के ढेर पर थूक कर अपना मुसल्ला रख दिया। ये देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर पर रखा और फरमाने लगे, ऐ बेटी फातिमा, तुम्हारा ये सब्र ता कयामत तक याद रखा जाएगा। तुम्हारा शोहर अली इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह पाक की किताब कुरान शरीफ को मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाने के लिए इधर से उधर घूम रहा है, उसके नतीजे में खानदान नबी के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ऐ बेटी फातिमा, सबर करो, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी कंबल को अपने पेट से हटाया तो हजरत बीबी फातिमा ने देखा कि उनके पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेट पर 4 पत्थर बंधे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ बेटी फातिमा, 3 दिन की तू भूखी है, मगर आज मेरा तो चौथे दिन का फाका है, आज मैं तो 4 दिन का भूखा हूँ। प्यारे दोस्तों, जरा सोचे इनको क्या जरूरत थी 3-3, 4-4 दिनों तक भूखे रहने की। अगर आप चाहते तो दुनिया भर के खजाने आपको मिल जाते, अगर आप चाहते तो आप जन्नत से खाना भी मंगा लेते, लेकिन ऐसा करने की वजह ये थी, यानी अपने पेट पर पत्थर बांधने की वजह ये थी, भूखा रहने की वजह ये थी कि अपनी उम्मत के लोग अपनी गरीबी की वजह से अपनी आबरू का सौदा ना करे, अपने ईमान का सौदा ना करे। इस वजह से आपने 3-3, 4-4 दिन तक भूखा रहकर दुनिया वालों को दिखाया, पेट पर पत्थर बांधकर भी दुनिया को सिखाया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए और जाकर नीचे फर्श पर ही बैठ गए। वहीं पर पास में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे हुए है। इतने में आपने देखा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ लाए है। उनको देखते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ऐ फारूक आजम, अभी तो नमाज का वक्त ही नहीं हुआ है, फिर इस वक्त आप क्यों आए हो? तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, आज तीसरे दिन का फाका है, 3 दिन की भूख ने बेहाल कर दिया है, इसीलिए मैं घर से बाहर निकल आया हूँ। तो ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ फारूक आजम, आज हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तो 5वें दिन का फाका है। उसके बाद आप तीनों हजरत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। पता चला कि अय्यूब अंसारी घर पर नहीं है तो आप वापस जाने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि अंदर तशरीफ ले आओ। उसके बाद हजरत अय्यूब अंसारी की बीवी ने खाना पकाया और आपके सामने रख दिया। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1 रोटी पर थोड़ा सालन रखा और फरमाया, आज मेरा 5वें दिन का फाका है, पता नहीं आज मेरी बेटी फातिमा का कितने दिनों का फाका है, पहले ये रोटी उसे दे आओ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। दोस्तों, हजरत फातिमा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी आपके पास दुनिया की दौलत में से कुछ भी नहीं था, सादगी में आप एक मिसाल थी। अपनी माँ से मिले तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में तकसीम कर दिए। आप अपने घर में चक्की पीसने से लेकर हर काम को खुद अपने हाथ से अंजाम देती। घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊंट की सूखी खाल थी, जिसमें आपका ऊंट दिन में चारा खाता था और रात में वही खाल आपके सोने के काम में आती थी। आपने अपनी जिंदगी में अपने शोहर
हजरत अली से कभी भी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। आप दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक मिसाल है और हर औरत को आपसे सीख लेनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी हजरत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर गुजारनी चाहिए। इंशाल्लाह वो औरत दोनों जहानों में कामयाब हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।